हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का आज के नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का वजह ये है कि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं कुर्बानी का। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने बकरा पाला था। कुछ लोगों ने पाला था कुर्बानी के लिए और कुछ लोगों ने पाला था सोल आउट करने के लिए। तो दोस्तों, जिन भाई ने कुर्बानी के लिए पाला था, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल करे, और जो भाई सेल करने के लिए पाला था, अल्लाह उनकी मेहनत और मोहब्बत को कबूल करे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम नहीं लूँगा इसके आज के वीडियो में, वो पिछले साल लगभग 1.5 लाख रुपए जो है 1.5 लाख रुपए का बकरा खरीदा था। 14-15 बकरा खरीदे थे और वो सारे बकरे जो है एक दो करके मर गए। 1.5-2 महीने में सारे बकरे मर गए, एकदम 0/0, ठीक है। तो बकरा मरा क्यों, इसका क्या वजह था? दोस्तों, उन्होंने ऐसे जगह से बकरे लिए थे जिस बकरे में कोई वैक्सीन नहीं किया हुआ था, और बकरे में धीरे धीरे बीमारी आती गई और वो बकरे एक एक करके मर गए। तो दोस्तों, क्या होता है जब एक कोई नया बंदा शौक करता है और बकरे खरीदना चाहता है, तो वो जाके कहाँ से बकरे खरीदता है? जहाँ पर बाहर की मंडी की गाड़ी आती है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे बीमारी होती है। मान के चलो बाहर से गाड़ी आई, एक ट्रक आई है, उसमें 400-500 बकरे हैं। अगर किसी एक बकरे को भी बीमारी है ना, तो वो धीरे धीरे करके सारे बकरों में बीमारी फैलेगी। और अगर कोई शौकीन बंदा लेकर के आया है अपने घर पे, तो वो क्या होगा कि बकरे 1-1.5-2 महीने में मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो लोग कुर्बानी के बकरे खरीदते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कुर्बानी के बकरे खरीदते हैं, वो 10-15 दिन पहले खरीदते हैं। उसमें अगर कुछ बीमारी होती भी है ना, तो बकरे उस बीमारी से फाइट करता है। लेकिन जो लोग शौक के लिए घर में पालने के लिए खरीदते हैं ना, उनको साल भर कम से कम रखना पड़ता है, और साल भर में अगर उसमें बीमारी लगती है ना, तो 2-3 महीने में बकरे मरता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी पैसे फालतू का है, तो आप अपना बाइक उठाइए, अपनी गाड़ी उठाइए और जाइए। सड़क के किनारे ट्रक लगा हुआ होगा, ठीक है, और उस ट्रक में बहुत सारे बकरे होंगे, और सभी बकरों में कुछ ना कुछ बीमारी फॉल्ट होगा ही, ठीक है, क्योंकि वो कोई फार्म का बकरा नहीं है और हमारे बंगाल के क्लाइमेट में सेट किया हुआ बकरा नहीं है। आप वो बकरे लेकर के आएंगे और वो आपका बकरा मरेगा, मतलब आपका नुकसान होगा पैसे का, और आपका जो शौक है ना, वो आप डीमोटिवेट होके वो खुद ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर ना, आप सोचोगे भी नहीं कि मुझे घर पर बकरे पालने और कुर्बानी करने हैं। ये एक बहुत बड़ा वजह तो होता है कि लोग घर पर पाल करके बकरे पाल कर कुर्बानी नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास में जो बकरे आते हैं, वो तो एक पहली बात फार्म के बकरे होते हैं, और अगर वो वैक्सीन किए हुए बकरे होते हैं, और अगर वैक्सीन नहीं भी किया होता, तो हम वैक्सीन करके देते हैं, आपके सामने करके देंगे वैक्सीन, ठीक है। कोई किस्म की बात होती है ना, 3 मंथ 90 डेज फुल सपोर्ट होगा। अगर कुछ भी होता है, बकरे खाते नहीं, वो सर्विस बोल के फुल मिलेगी। आप लोकल एरिया के बकरे ले, ताकि वो वैक्सीन किया हो और आपके पैसे नुकसान ना हो, बकरे मरे नहीं, आपका शौक नहीं मरेगा, आपका शौक में और भी बढ़ावा होगा। ये वीडियो इस